सो हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और नया ग्लो का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। वापस अपना जो ग्लो का पहले की तरह लाते थे, आज मैं एक और लाके आ चुका हूँ, ठीक है। तो बहुत ही कमाल का ग्लो होने वाले कैपकट में बनाया है। ट्यूटोरियल पूरा देखना, मजा आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको उसका प्रीव्यू दिखाता हूँ जिसका कि मैं ग्लो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्लिप मैंने आपको कमेंट में दे दी है, और ये देखो गाइस, यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया और यहाँ से मैंने स्पिल्ड कर लिया। यही से प्रो हिस्सा शुरू होता है और यहाँ मैं ग्लो लगाऊंगा, ठीक है। तो शेक मैं किसी और वीडियो में लगा के बताऊंगा। फिलहाल ग्लो बनाते हैं। आपको इफेक्ट लेना है, जो इफेक्ट आपको लेना है वो मिलेगा रेट्रो के अंदर, और उस इफेक्ट का नाम है JVC, ठीक है। तो इफेक्ट की कैटेगरी चेंज हो गई है और रेट्रो में मिल जाएगा आपको। तो ये JVC का इफेक्ट है गाइस। JVC के इफेक्ट में एडजस्ट का ऑप्शन है। कलर को आप जो है राइट की तरफ ले जाओगे तो पूरा बैंग नहीं होगा। अब ब्लू भी करूँगा लेकिन फिलहाल मैं बैंग नहीं कर रहा हूँ, फिल्टर जीरो कर रहा हूँ, एंड तक इसे कर लेता हूँ। और अब जो है इफेक्ट लेने के बाद गाइस मैं क्लिप में एडजस्टमेंट करूँगा, ठीक है। क्लिप में जो है गाइस देखो, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करूँगा और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। शार्पन में थोड़ा या फुल कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस येलो कलर और ग्रीन कलर की जो सैचुरेशन है, लुमिनेंस है, दोनों को जीरो कर दो, मतलब -100, ठीक है। और इसके बाद जो ब्लू कलर है गाइस, इसको जो है राइट की तरफ करो 100, ताकि वो पूरा बैंग नहीं हो सके। हालांकि मैं एक और क्लिप में ब्लू करूंगा लेकिन वो बाद में बात है, पहले अपन इसका ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो अभी देखो गाइस, ये बैंग नहीं आप हो ही रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा विग्नेट में यहाँ पे कर देता हूँ, हल्का सा बढ़ा रहा हूँ, बस हल्का सा। विग्नेट का इफेक्ट यहाँ पे हो चुका है गाइस। अभी एक इफेक्ट आपको लेना है जो वीडियो इफेक्ट में मिलेगा, लेंस के अंदर है, स्मार्ट शार्पन नाम है। बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, अगर कोई HDR ग्लो बनाना हो तो ये वाला इफेक्ट बहुत ही काम आएगा, ठीक है। डिटेल में कभी बनाऊंगा लेकिन फिलहाल इसके एडजस्ट की बात करते हैं अपन। तो देखो गाइस, शार्पन सबको एक बार कम ज़्यादा करके देख लो आप क्या होता है। तो शार्पन यहाँ मैंने इतनी रखी है, और ब्लर देखो गाइस मैं रख रहा हूँ, ठीक है, जीरो नहीं करूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। और रेंज भी आप इसको सही कर सकते हो, फिल्टर अब की बार में, ये पहला इफेक्ट है गाइस जिसका मैंने फिल्टर थोड़ा भी रखा है, ठीक है। और इसका भी अपन एंड तक कर लेते हैं। अभी देखो गाइस, क्लिप को जो है डुप्लीकेट कर लो, मतलब कॉपी पे बटन पे क्लिक करो, और एक JVC पे भी जो है कॉपी के बटन पे क्लिक कर दो। ये अभी कॉपी क्यों किया है मैं बताऊंगा तुम्हें। JVC को पहले यहाँ लेके आ जाओ, जहाँ पे दूसरा इफेक्ट है उन्हीं के जस्ट नीचे लेके आ जाओ, और क्लिप के जो है ओवरले पे सेलेक्ट करो ताकि वो भी एकदम यहाँ आ जाए, और इसको एकदम बराबर इसके बराबर लगा दो। इसका वॉल्यूम मैंने जीरो कर दिया है, क्या पता वॉल्यूम हो तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी गाइस देखो, मास्क का जो है एक ऑप्शन ढूंढो यहाँ पे, मास्क का जो है ऑप्शन मिलेगा आपको, सॉरी वो बाद में करेंगे, फिलहाल एडजस्ट का कर लेते हैं। एडजस्ट का जो है गाइस आपको, जिनका भी अपन ने बैंग नहीं किया था उन सबको हटा के ब्लू की तरफ ले जाना है, ठीक है। तो 2-3 में किया था बैंग नहीं, इसका तो वैसे भले आप कर दो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये कलर ही नहीं है अपनी क्लिप के अंदर। अभी जो है मास्क वाला तुम्हें ढूंढना है, ये ना मास्क का पहले पे क्लिक करो, इन्वर्ट पे क्लिक कर दो ताकि ऊपर आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगी, मतलब ओवरले वाली क्लिप जो है उसका नीचे दिखेगा। अब जो आप नीचे ये एरो दिख रहा है, इसको जितना करोगे उतना फीडर बढ़ेगा, ठीक है। नीचे की तरफ ले जाओगे उतना फीडर बढ़ेगा। अभी आप देख सकते हो कैसा दिख रहा है। जो ये दूसरा JVC लिया है गाइस, इसके ऑब्जेक्ट पे जाके ओवरले सेलेक्ट कर लो, और इसका जो है कलर जो है आप गाइस जीरो कर दो ताकि ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये दो कलर बन चुके हैं। अभी जो स्मार्ट शार्पन है, इसको ऑल वीडियोस पे सेलेक्ट कर दो ताकि ओवरले पे और मेन क्लिप पे दोनों पे लगेगा। अब आपका ग्लो बन चुका है, इसको एक्सपोर्ट कर लो। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।